खबर मुरादाबाद से है, जहां रामपुर से पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जया पर्दा मुरादाबाद एमपी एमएलए सीनियर डिवीजन कोर्ट पहुंची, जहां उनको लेकर 2019 में आजम खान के सम्मान समारोह के दौरान डॉक्टर एसटी हसन द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस घटना को लेकर कटघर थाने में आजम खान, डॉक्टर एसटी हसन समेत कई नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मुकदमे में फिल्म अभिनेत्री जया पर्दा गवाही देने नहीं पहुंची थी। पूर्व सांसद जया पर्दा की गैर जमानती वारंट जारी हो गए। आज कोर्ट से बाहर निकलकर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा, आजम खान और एसटी हसन पर मैंने मुकदमा किया था जिसमें आज मेरी गवाही थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने यह तारीख 25 अक्टूबर कर दी है। अब अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाने वाला है। मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूं। ये दादा के लिए खुशखबरी नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी है। मेरी उनके साथ दो फिल्म आ रही है, एक रिवाहा और दूसरी फौजी। मिथुन चक्रवर्ती एक इकॉन है, लीजेंट है। मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे हमारे ऊपर बना रहे। वहीं एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा गाय को राज्य माता का दर्जा देने के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा कि गाय हमारी गौ माता है, राज्य माता का दर्जा दिया जाना अच्छा कदम है। गौ माता तो राज्य माता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, मुरादाबाद। मैं गवाह के रूप में आई हूँ और आजम खान और एसटी हसन जी के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज किया जी। तो उसके केस के नाते मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ जी। अभी कोर्ट मुझे जाना है, अभी कोर्ट में अभी वापस मुझे बुलाया, तो दोपहर के बाद मैं आपको ब्रीफिंग दूँगा। मैडम, मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को सम्मानित किया जाएगा, पीएम मोदी ने उन्हें सांस्कृतिक प्रतीक बताया है। बहुत अच्छा खुशी का माहौल है हमारे लिए, क्योंकि मिथुन दा इज़ वो महानायक है और उन्होंने कई फिल्म कई लैंग्वेजेस में उन्होंने काम किए, और मिथुन दा को आज दादा फाल्के अवार्ड, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड उनको दिया जाएगा। ये हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत खुशी की बात है, और ख़ास तौर मेरे लिए इसलिए कि मैंने दादा के साथ अभी दो फिल्म कर रही हूँ, क्यों एक तो रिवाज अभी कंप्लीट किए और एक अभी फौजी के नाम से प्रभास और मिथुन दा के कॉम्बिनेशन में मैं फिल्म कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव यू दादा। थैंक यू।